नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका अपने चैनल में। और अभी हम रामगढ़ थाना पे मौजूद हैं। यहाँ पे रामगढ़ थाना क्षेत्र में फिनो बैंक से लोन के मामले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे लोग सुबह से लगभग 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ पे आए और अपना FIR उस लोन लेने वाले के खिलाफ दर्ज किए। इसमें बहुत सारे लोग मौजूद हैं और इनसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो कैसा घोटाला था। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुनीता सिंह जी। कैसा घोटाला हुआ? ऐसे घोटाला है, समूह के नाम पर लूटपाट किया है जी। कौन सा बैंक था? फिनो फाइनेंस। फिनो फाइनेंस क्या बोला था, कितना पैसा लोन का दे बोला रहा था? था कि ये मतलब ये शुरुआती बोला कि मतलब 5 लोग का 1-1 लाख रुपए करके मिलेगा और 30 लोग का 50,000 रुपया करके मिलेगा जी। बाकी लोग का 45,000 करके लेगा जी। तो वो उसमें लिया कि मतलब 250 रुपया खाता खोला ही लिया जी। प्लस पॉइंट दूसरा में ये किया कि 660 रुपया बीमा खर्च लिया और ये लिया है 3 तारीख को। 3 तारीख को लिया और बोला 5 तारीख को आप लोग 9:30 बजे के अंदर आ जाइएगा, सारा लोग का एंट्री हो जाएगा जी। और हम लोग आज पहुंचे तो देखे कि वहाँ पे फोन लगाए सुबह में तो उसका नंबर बंद बता रहा था जी। उसके बाद ब्रांच पे गए 9:30 बजे तो देखे कि अंदर से ताला खुला हुआ है, बाहर से अंदर से सारा बंद है। सारा बंद है। हाँ, मतलब फरार हो गए। फरार हो गया। उसमें बोर्ड उड़ जितना भी था सब कवर, अंदर से बंद था, सारा कवर हुआ है। बोर्ड उड़ अलमारी अलमारी मकान मालिक से बात हुआ तो हम लोग बात किए कि भैया आप किस आधार पर उसको दिए, तो बोले कि से हम दिए थे, उसका कुछ हमारे पास प्रूफ नहीं है। उसके बाद फिर बोला कि मान लीजिए अगर प्रशासन यहाँ आता है तो आपसे तो क्वेश्चन करेगा ही कि आप किस आधार पर दिए हैं। तो बोला कि मेरे पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड जो भेजा है उनके मोबाइल पर वो रामगढ़ के कोई है, उसी का ID से वो अपना आधार कार्ड भेजा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं रामगढ़ के लोग भी इसमें संलिप्त हैं। आप कितना पैसा जो है कि पास कराने के लिए पैसा दी थी? 45,000। कितना लिया गया था उसमें पैसा आपसे? उसमें लिया था 910 रुपए करके। 910 रुपए। नहीं, आपका कितना पैसा पास हुआ था? 45। अभी पास नहीं हुआ था, मतलब कितना पास करना था? 45। आपसे कितना पैसा लिया गया? खाता खोला मतलब 250 लेना 660 रुपया जीवन बीमा जी। वही दिन का कहला कि पासबुक पैसा जमा कर लेना, कहलन कि यह 10 बजे मतलब हम लोग मानिए ठकुरा का, हम आई ठकुरा कलानी का ठकुरा, हमारे ग्राम पोस्ट ठकुरा बा, हमनिक बानी 3 गो समूह खोले बना। तो एगो हाँ बानी जाए 20-20 गो, हमारा ग्रुप में 17 गो, एक ग्रुप में 20 गो, एक ग्रुप में 15 गो। हाँ, इतना इतना हमने के बानी। आपका कितना पैसा था? 1,000 था। 910 रुपया। कितना पैसा पास करने के लिए? 45,000। यानी कि 45,000 रुपए पास करने के लिए लगभग 1,000 रुपया लिया गया और कम से कम 1 लाख जो था उसका बीमा अलग, 1 लाख का भी था, 50,000 से ज्यादा लिया। 1 लाख रुपए का कितना लिया था? 2,000 2,200 रुपया। जो 1 लाख सुनने में हमको आया है कि कहीं 20 लाख रुपए भी दे रहा था। 20 लाख का कोई ऑप्शन ही नहीं, 2 लाख क्या नाम था उसका? संजीव। संजीव, प्रशासन से आप लोग क्या मांग करना चाह रही हैं? मांग करना चाह रहे हैं कुछ नहीं, बस मकान मालिक को ऑक्शन जी। जो कि मकान मालिक बिना क्या बोलते हैं, बिना गारंटी के लिए, बिना मतलब जानकारी है मकान के ऊपर वो सब है, सारा चीज जो लोड कर रहा है गाड़ी पर तो जरूर कुछ न कुछ तो पता होगा। बिना एग्रीमेंट के मकान नहीं दिया जाता है, ये तो मालूम है। वो भी ब्रांच है क्योंकि 5 साल के 10 साल के मकान मालिक एक साल 11 महीने का होता है, 5 साल का होता है, 10 साल का होता है। बिना नंबर जो है मोबाइल नंबर कल लग रहा था मकान मालिक का भी फोन नंबर नहीं। यानी कि रामगढ़ में जो
जो मकान मालिक उसको मकान प्रोवाइड कराए थे, अपने मकान में रखे थे, उनको भी इस मामले में संलिप्त पाया जा रहा है, वो भी इसमें बिल्कुल शामिल हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और है, जब शनिवार को रात को भागा है तो संडे को तो जानते किया अपने मकान में है तो जाना ना कि हमारा ब्रांच खाली है, तो क्यों नहीं आकर जनता को बुलाया, क्यों नहीं थाना में कंप्लेन किया, हंगामा किया, उनका भी हाथ है। आज मोबाइल कल लग रहा था, बहुत दिन से लग रहा था, पोस्टर छपाया पहले किराए पे देने से पहले एग्रीमेंट कराना जरूरी था, एग्रीमेंट क्यों नहीं कराए, अनजान आदमी के क्यों दिए? नहीं, वो कल हमसे बात किए थे अपने डॉक्टरी पर, 4 बजे हमसे वो मिले थे, हम गए थे वहाँ पर तो 4 बजे मिले, हम बोले कि बताइए आप रूम दिए थे तो ये फिनो बैंक का सब लोग कहाँ गए, तो बोले वो तो रात ही से भाग गया। तो हम भाग गया तो आपको पता होगा ना कि कैसे वो भाग गया, कोई तो प्रूफ आप उससे लिए होंगे, तो बोले हमारे पास तो कोई प्रूफे नहीं है, इसी तरह अपना कुकर और गैस लेकर आया, रहने लगा तो भगा थोड़े ना हम देंगे उन लोग को। आप लोग के लोन का पैसा किस तारीख को निकलने वाला था? यानी कि आज 5 तारीख है और आज ही के दिन वो पैसा निकलना था और आज ही के दिन वो व्यक्ति जो है कि सारा पैसा लेकर के फरार हो गया। और पासबुक आप लोग के पास है, कोई दिखाइए। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंस का जो है कि बिल्कुल छपा हुआ प्रिंटेड पासबुक है, लोकल पासबुक है, इस पर ना कोई रेफरेंस नंबर है, ना कोई GST है, ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसको एक पेज हम लोग प्लाट के देखते हैं, यहाँ पे भी आप सब देख सकते हैं बिल्कुल प्रिंटेड है, कोई भी व्यक्ति आम आदमी भी इस चीज़ को प्रिंट कर सकता है। और सबसे बड़ा मूर्खता जनता ने किया है, मूर्खता को पढ़ा लिखा इसलिए कहना जरूरी हो जाता है, अगर पढ़े लिखे होते तो पहले जांच करते कि इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर है कि नहीं है, GST नंबर है कि नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर है कि नहीं है, इसमें तमाम प्रकार का कोड लगा होता है, यहाँ पे मोहर लगा है, मोहर पर भी कोई कोड नहीं है, तो तमाम ये सारी चीज़ें जो वो देखने लायक है, पकड़ने लायक है, लेकिन ये मासूम जनता नहीं पकड़ पाई। अब प्रशासन का देखना है कि प्रशासन इस मामले में किस प्रकार से कार्रवाई करता है। धन्यवाद।